हेलो एवरीवन दिस इज़ मी भव्या शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन एनाटॉमी वाले गुरुजी ठीक है तो ये हमारा जो सेशन है आज का ये किस पे होने वाला है ये होने वाला है एलाइजा टेस्ट पे एलाइजा बहुत नाम हमने सुना है पर पढ़ने में उतना ही डिफ़िकल्ट लगता है इस क्योंकि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है तो इसको इजी बनाने के लिए हम आपके लिए ये सीरीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर हम एलाइजा को दो से तीन क्लासेस में तीन क्लासेस में हम एलाइजा को कंप्लीट कर लेंगे तो आज का जो हमारा सेशन है वो होगा इंट्रोडक्टरी फेस जिसके अंदर हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखेंगे एलाइजा क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं ओके okay, तो लेट अस स्टार्ट कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉबेंट ऐसे दिस इज़ वॉट दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे आपको नाम से पता चल रहा है एंजाइम लिंक्ड है मतलब ये जो डिटेक्शन होगा उसके अंदर एंजाइम का रोल तो डेफिनेटली आने वाला है ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है टेस्ट कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करना तो दिस इज़ ऑल फॉर डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी एंटीबॉडी और एंटीजन हमने इम्यूनोलॉजी में काफ़ी बार इसको पढ़ा तो so, एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए या सॉल्यूबल सब्सटेंस जो हमारे ब्लड सीरम में प्रेजेंट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट है जिसको हम एलाइजा बोलते हैं ठीक है एंजाइम रिएक्शन फॉर डिटेक्टिंग इम्यून रिएक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी हमारी ब्लड सीरम में प्रेजेंट है उनकी जो इम्यून रिएक्शन होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए ताकि हम जो इन्फेक्शन हुए उनको पता लगा सकें ये टेस्ट यूज़ किया जाता है ओके okay, तो प्रिंसिपल क्या है इसका इसका प्रिंसिपल है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रिएक्ट्स विथ कलरलेस सबस्ट्रेट एंड प्रोड्यूस कलरफुल प्रोडक्ट मतलब एंजाइम लिंक्ड पहले ही आ चुका है इसका क्या एक प्रिंसिपल है कि जो एंटीबॉडी है उसको एंजाइम से लिंक कर दिया जाता है और उसे एक सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है जिससे हमें एक कलरफुल प्रोडक्ट मिलता है ओके सो वी कैन डिटेक्ट कि वो किसका एंटीजन है किसका एंटीबॉडी है या फिर कौन सा इन्फेक्शन है भले ही वो वायरल इन्फेक्शन हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो अब जो ये एलाइजा है ये क्वालिटेटिव टाइप से भी होती है और क्वांटिटेटिव टाइप से भी होती है नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव, ओके क्वांटिटी कितनी है उस सॉल्यूबल सब्सटेंस की दट कैन बी एंटीजन एंटीबॉडी और एनी पेप्टाइड हार्मोन, वी कैन डिटेक्ट कि उसकी क्वांटिटी कितनी है उस सीरम के अंदर क्वालिटेटिव क्वालिटी पता लगाना कि वो किस टाइप का सीरम है किस टाइप का सब्सटेंस है एंटीबॉडी है या एंटीजन है एंटीबॉडी में कौन सा एंटीबॉडी है आईजीए आईजीई आईजीएम या फिर जो हार्मोन है वो कौन सा है उस हिसाब से हम उसे उसकी क्वालिटी के हिसाब से डिटेक्ट कर सकते हैं पहला हमने यहाँ देखा क्वांटिटेटिव जो क्या करता है क्वांटिफाई क्वांटिफाई कर सकते हैं नंबर में कितना है कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी वो सीरम के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी की कंसेंट्रेशन कितनी है वो हम इस टेक्निक के जरिए पता लगा सकते हैं इसके अलावा क्वालिटेटिव मतलब कि अब क्वालिटी कैसे क्वालिटी है उसका टाइप क्या है टाइप ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी वो जो एंटीजन है या एंटीबॉडी है या कोई भी सोल्यूबल सब्सटेंस है उसका टाइप क्या है वो भी हम इस टेस्ट के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल मैंने बताया उसमें मेन आपको हाईलाइट कौन से वर्ड्स है मैं भी बताती हूँ फर्स्ट इज एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कि जो एंटीबॉडी होगा उससे एंजाइम को लिंक कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा रिएक्ट विथ कलरलेस सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट है एंजाइम किसके साथ रिएक्शन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो जो सबस्ट्रेट होगा वो कलरलेस है एंजाइम लिंक एंटीबॉडी कलरलेस सब्सट्रेक्ट विल प्रोड्यूस कलरफुल प्रोडक्ट अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरफुल होगा तो उस हिसाब से वो जो प्रोडक्ट आएगा उसके कलरेशन के हिसाब से हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन ज़्यादा है या फिर इन्फेक्शन कम है ओके okay, जो कलर की इंटेंसिटी होगी उसके बेसिस पे भी हम उसे जज कर सकते हैं कि इन्फेक्शन ज्यादा है या कम है या कौन सा इन्फेक्शन है कैसे इम्यून रिएक्शन उसके अंदर परफॉर्म हुई है वो हम पता लगा सकते हैं तो जो सब्सट्रेट होगा उसे क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट बोला जाता है क्रोमो क्रोमो का मतलब भी क्या होता है कलरेशन कलरेशन है तो सबस्टिट कलरलेस है दैट विल प्रोड्यूस कलरफुल प्रोडक्ट जिससे हम उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा इन्फेक्शन है अब इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं एलाइजा टेस्ट को हमने देख लिया कि क्वालिटी बता सकता है क्वांटिटी बता सकता है एप्लीकेशन किस किस में होता है एच डायग्नोसिस ऑफ एच आई इन्फेक्शन एड्स वाला जो हम पढ़ते हैं उसको पता लगाने के लिए एलाइजा बहुत फेमस है हम सिक्स टू सेवन्थ क्लास में ही ये पढ़ने लग जाते हैं उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी एलाइजा को यूज किया जाता है इसके अलावा पीसीआर रिएक्शन जो होती है वो सब भी एलाइजा से कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं ओके okay, तो ये सब जो मैंने आपको बताया नॉर्मल इंट्रोडक्शन था एलाइजा की वॉट इज एलाइजा दिस इज़ वॉट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉबिन ऐसे एंजाइम लिंक है और इम्यूनोजॉबिन मतलब इम्यून रिएक्शन के लिए टेस्ट है डिटेक्ट करेगा सोल्यूबल है या एंटीबॉडी है या फिर कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी है और कौन सा इंफेक्शन है तो ये हमने जनरल इसका देखा अब इसके बाद आते हैं एलाइजा के टाइप कौन कौन से हैं, तो हमने पढ़ा है एलाइजा होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एंड सैंडविच एंटीजन या एंटीबॉडी के डिटेक्शन के हिसाब से कि वो जो एलाइजा है वो एंटीजन का डिटेक्शन कर रही है एंटीबॉडी का उस हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं तो वी आर गोना डिस्कस डायरेक्ट एलाइजा टुडे। टाइप्स के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एंड सैंडविच जिसके अंदर अलग अलग तरीके से वेल well के अंदर प्लेट टेक्निक है ये प्लेट प्लेट ली जाती है लेबोरेटरी में उस टेक्निक के हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि कौन सी एलाइजा है और कौन सी उसमें इंफेक्शन हो रहा है तो मैं आपको पहले टाइप्स बताऊंगी कौन कौन से हैं तो टाइप्स में हमारे पास पहला आता है डायरेक्ट एलाइजा फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एलाइजा विच इज वेरी सिंपल एलाइजा डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट दिस विल बी नॉट डायरेक्टेड थर्ड वन इज सैंडविच जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बनता है एंड फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव को बेस्ट माना जाता है सब तरीके से तो मैंने यहां पे आपको चार टाइप्स बताए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव तो ये सब जो टाइप है हमारे आगे के सेशंस में डिस्कस होते रहेंगे